हो सकता है जब आप एक्सेल पर डेटा एंट्री कर रहे हों तो फोन नंबर्स के मुख्तलिफ फॉर्मेट इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट हो और इसके मुताबिक तमाम फोन नंबर्स ऑटोमेटिक सेट होते जाएं। तो इस वीडियो में हम एक्सेल के सेल्स में फोन नंबर्स के फॉर्मेट को सेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम जिन सेल्स में इस फॉर्मेट को अप्लाई कराना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ई का जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम में फोन नंबर अप्लाई कराना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर फोन नंबर। अब इस पर मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और फॉर्मेट सेल में मैं यहाँ नंबर्स पर भी आके सेट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कस्टम में जाऊँगा और कस्टम में मैं यहाँ फॉर्मेटिंग सेट करूँगा नंबर। जहाँ पे मेरे नंबर का साइन लगेगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे सिर्फ नंबर अलाउड होंगे। उसके बाद मैं यहाँ डैश देता हूँ, फिर 3 नंबर जो कि हमारा पाकिस्तानी नंबर जो होते हैं उसके अतबार से फॉर्मेट है। उसके बाद 7 नंबर, तो यहाँ पे यानी पहले आएगा 9-2, उसके बाद आएगा 3 3 × 3 जो भी नंबर होता है कंपनी का, उसके बाद ये फ़ोन नंबर। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं नंबर टाइप करता हूँ तो ये देखें इसने हमारा जो पाकिस्तानी स्टाइल है उसमें इसने नंबर फॉर्मेट हमें बना के दे दिया है, कंट्री कोड, कंपनी कोड और ये फ़ोन नंबर। इसी तरह अब अगर इसको हम चेंज करना चाहें को और प्री डिफाइन हमारे पास पहले से बनी हुई लिस्ट ऑफ फोन नंबर की और उसे हमें तब्दील करना है, तो हम यहाँ नंबर्स में आएंगे। नंबर्स में आके यहाँ पे जो फॉर्मेट हमें लगाना चाहते हैं वो फॉर्मेट हम यहाँ पे लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई डैश वगैरह इसमें नहीं चाहते, सिंपल इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट हमारे पास इस तरह हो जाएगी। या हम इसमें प्लस का साइन ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें प्लस का साइन शुरू में ऐड कर देंगे, तो जितने नंबर होंगे उन सब नंबरों में प्लस का साइन आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल 0300 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर है, सारे नंबर इस तरह हों, इसके आगे हमें प्लस 92 लगाना है, तो हम यहाँ पे जाके कस्टम में जाके इसको ये नंबर फॉर्मेट लेंगे और इसके बाद हम शुरू में से यहाँ प्लस 92 ऐड करके इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए जितने भी लिस्ट यहाँ पे होगी वो तमाम की तमाम इस तरह हो जाएगी। अब मैं प्लस 92 नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट मैं नंबर लिख रहा हूँ 0312, ऐसे टेस्टिंग नंबर है, तो यहाँ देखें प्लस 92 इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर नंबर की फॉर्मेटिंग फिर डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम इसमें ये वैलिडेशन भी लगाना चाहें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर अप्लाई हों, इसके अलावा और कुछ अप्लाई ना हो, जैसे अभी इसमें मैं टेक्स्ट अप्लाई करूं तो टेक्स्ट भी अप्लाई हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर अप्लाई हो, तो दोबारा इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद डेटा वैलिडेशन में आता हूं और डेटा वैलिडेशन में मैं यहां पे कस्टम अप्लाई करूंगा और यहां पे एक फार्मूला हमें यूज़ करना होगा जो क्या होगा, एंड का फार्मूला। एंड के फार्मूले में अब यहाँ पे हम इससे पूछेंगे कि ये नंबर है या नहीं, तो इस नंबर का जो फार्मूला है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। इस नंबर के फार्मूले के बाद हमें यहाँ पे ई इसको सिलेक्ट करना होगा, इसको क्लोज करते हैं इस नंबर के फंक्शन को। उसके बाद हमें यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो लेनी है और लेंथ में भी हम ई कॉलम को दे देंगे। इसके बाद अब हम इससे पूछते हैं, इसको बताते हैं कि ये फॉर्मेट हमारे पास कितने नंबर इसमें होने चाहिए, कितना डिजिट। तो यहाँ पे अब हम डिजिट देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 डिजिट बन रहे हैं। यहाँ पे मैं 13 दूंगा और उसके बाद इसको इंटर करते हैं। एरर शो कर रहा है कोई भी टेक्स्ट इंटर करने पर, और अगर मैं इसमें नंबर भी देता हूँ तो ये मुझे तब भी एक एरर शो कर रहा है कि ये 13 डिजिट नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पूरे 13 डिजिट देने होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने प्लस 92 खुद लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसके डिजिट्स की तादाद को जो है वो माइनस करना होगा। यहाँ पे हमें 13 के बजाय 10 करना होगा, 10 करके इसको ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको नंबर देते हैं 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7